नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सूरत टीवी और मैं हूं तान्या और मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स एडिटर हिमांशु। तो हिमांशु, आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट लेवल बड़ा हुआ है सबका, क्योंकि 20 टीमें थी, 20 में से अब 8 टीमें बाकी हैं और आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हैं। इट मीन्स कि टॉप की जो 8 टीमें हैं वर्ल्ड की, T20 वर्ल्ड कप में इस बार की 8 टीमों का जो मुकाबला होगा, इसमें से 4 टीमें आगे जाएंगी सेमीफाइनल में, 4 में से 2 आगे जाएंगी, फिर 2 में से 1 चैंपियन बनेगा 29 तारीख को। आज किस किस का मुकाबला है? आज मुकाबला है उस टीम का जो होस्ट नेशन है इस बार का, USA बनाम दक्षिण अफ्रीका। अगर हम कागजों में देखें ना तान्या, कि हम बात करें कि यार USA का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से, हमें लगेगा यार USA तो कुछ टीम नहीं है, बट USA इस बार वो टीम साबित हुई है जिसने पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया और USA उस ग्रुप में है जिस ग्रुप में सभी टीमें जबरदस्त हैं। दक्षिण अफ्रीका को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए USA को। USA पाकिस्तान को हराकर यहां पर आए हैं और भारत के साथ भी USA ने ग्रुप स्टेज का अपना मुकाबला फंसा लिया था। USA में USA के कम और भारतीय मूल के प्लेयर्स ज़्यादा हैं। एक जो सौरभ है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो अंडर-19 क्रिकेट भारत की तरफ से खेले हुए हैं। सो जिन जिन प्लेयर्स को अपने देश में मौका नहीं मिला वो सभी अब USA की टीम में है। कोरी एंडरसन है उनके प्लेयर, जो न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। एरोन जॉन्स हैं, नीतीश हैं, सो बड़े बड़े नाम अब वो बन चुके हैं इस वर्ल्ड कप में ही। सो दक्षिण अफ्रीका अगर तान्या आज का मुकाबला USA से हार गया तो दक्षिण अफ्रीका ये सोचे कि सेमीफाइनल में जाने के रास्ते बंद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा, एक और होस्ट नेशन। मतलब वेस्ट इंडीज और USA में इस बार का वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके बाद अगला मुकाबला इंग्लैंड से, जो डिफेंडिंग चैंपियंस है। सो आज का मुकाबला हर हाल में दोनों टीमों को जीतना होगा, दोनों में से एक टीम को जीतना होगा। और पलड़ा अगर पेपर्स पर देखें तो ऑब्वियसली दक्षिण अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसमें मार्करम है, हेनरी क्लासेन है, क्विंटन डिकॉक है, रबाडा है, नॉर्किया है, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बट USA को हल्के में नहीं आंकेगी दक्षिण अफ्रीका की टीम। और ये जो मुकाबले हैं आज से शुरू हैं और कल भारत का मुकाबला है, भारत का मुकाबला कल अफगानिस्तान के साथ होगा। सो अब से जितने भी मुकाबले होंगे ये हाई क्लास मुकाबले होंगे और अब हमें जो हमने देखा ना पाने पिछले स्टेजेस में लो स्कोरिंग मुकाबले हो रहे थे, अब ये जो मुकाबले हैं ये शिफ्ट हो गए वेस्ट इंडीज में। पहले USA में हो रहे थे, अब वेस्ट इंडीज में हो गए। वहाँ की पिचेस थोड़ी सी अलग हैं, स्पिनर्स को मदद मिलेगी और रन्स भी बनेंगे। सो जो टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करेगी वो हल्की सी फायदे में रहेगी और टॉस जीतकर पहले टीम चाहेगी हम एक अच्छा स्कोर खड़ा करें और फिर अपने स्पिनर्स के साथ, अपनी गेंदबाजी के साथ दूसरी टीम को रोके। एज अ फैन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं चाहूंगा क्रिकेट के रिवाइवल के लिए, USA के रिवाइवल के लिए, मकसद क्या था इस बार के वर्ल्ड कप का USA में करवाने का? आज तक जिस देश में क्रिकेट के इंटरनेशनल मैचेस बहुत कम हुए हैं, 100 दिनों में नया स्टेडियम तैयार खड़ा कर दिया गया, इसका सीधा सीधा मतलब था कि USA में क्रिकेट को एक्सप्लोर करना। तो मैं चाहूंगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए कि USA आज जीते, ताकि USA जैसी और टीमें भी फिर इस फील्ड में आएंगी और क्रिकेट में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। नहीं तो ताने हम देखते हैं ना, बड़े लेवल पर कुछ टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, ये 4-5 टीमों का ही दबदबा है, बाकी टीमें काफ़ी लिमिटेड रह गई हैं। और जब USA जैसी टीमें अब आएंगी, जीतेंगी, अगर सुपर 8 में उन्होंने 1-2 मैच भी जीत लिए तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। और दक्षिण अफ्रीका जो ग्रुप स्टेज में कई टीमों से हार की कगार पर था, वो नेपाल से भी हारने वाले थे, वो बांग्लादेश से भी हारने वाले थे, और दक्षिण अफ्रीका इसलिए USA को इतना लाइटली नहीं लेगा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि USA एक अच्छी क्रिकेट खेले और एक अपसेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि USA अब उस लेवल पर पहुँच चुका है कि वो बड़ी बड़ी टीमों को हराने का मादा रखता है। आप किसे सपोर्ट करेंगे? आज के मैच के बाद बताऊंगी। सो आज का मैच देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और देखते हैं कि आज कौन विनर रहता है और किसका कल कैसे, मतलब कैसे प्रोसीडिंग्स आगे की। बिल्कुल बिल्कुल, जो टीम आज का मुकाबला जीतेगी सेमीफाइनल में जाने को वो एक कदम हल्का सा आगे बढ़ा लेंगे। सो फिर बता दूं, आज का सुपर 8 का आज का पहला मुकाबला है USA जो होस्ट नेशन है, USA बनाम दक्षिण अफ्रीका। और ये मैच, इसकी जानकारी हम आपको दैनिक सवेरा टीवी पर देते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। मैं हिमांशु और मेरे साथ मैं हूं तान्या। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या कोई कमेंट करके हमें कुछ बताना है या आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें अपने सजेशंस, हम नेक्स्ट डे ज़रूर उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे और आप तक हर बात पहुँचाएंगे। और एक चीज़ और,
आप क्या चाहते हैं? जैसे ताना ने मेरे से पूछा ना कि आपका दिल क्या कहता है कि कौन सी टीम जीतेगी या जीतनी चाहिए, आप बताइए क्रिकेट की बेहतरी के लिए या इस कंपटीशन को उसकी बेहतरी के लिए कौन सी टीम आज का मुकाबला आपके अकॉर्डिंगली जीतेगी, यूएसए या दक्षिण अफ्रीका? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। दीजिए इजाजत, देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।